हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिरी। मेरे पास एक मोबाइल है रेडमी वाई थ्री या फिर कोई भी मोबाइल रहे, इसमें प्रॉब्लम है कि कैमरा आप जब ओपन करते हैं तो एरर कैमरा लिख के आ रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नया वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो सबसे पहले इस फ़ोन का मैं कैमरा ऑन करता हूँ तो देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से कैमरा एरर लिख के आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या प्रॉब्लम है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि जैसे ही आप कैमरा को ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा स्क्रीन पे मैसेज आता है कैमरा एरर करके। तो ये जो प्रॉब्लम है शायद आपको लग रहा होगा सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है या फिर फ़ोन रीसेट करने के बाद शायद ठीक हो जाता है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि मैं फ़ोन को अपडेट भी किया है और रीसेट भी किया है और जो भी इसका जो सॉफ्टवेयर से मैं हर तरीके से चेक कर लिया, ये जो प्रॉब्लम है ठीक नहीं हुआ। तो लास्ट में हमें इस फ़ोन को ओपन करना होगा, फ़ोन को खोल के उसके बाद उसके अंदर मैं देखूंगा क्या कैमरा तो नहीं रिमूव हो गया। इसमें तीन कैमरा है, यानी कि दो पीछे है और फ्रंट में एक कैमरा है। तो हो सकता है कोई एक भी कैमरा निकल जाए, तो आप सोच रहे होंगे कि पीछे का कैमरा निकल जाए या वो मदरबोर्ड से रिमूव हो जाए तो शायद आगे वाला काम करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, एक भी कैमरा रिमूव हो जाने के बाद कोई कैमरा काम नहीं करता है। तो ये जो प्रॉब्लम है हार्डवेयर की प्रॉब्लम है, शायद आप समझे होंगे। अगर आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सर्विस सेंटर जाएं, वहां से जाके आप ठीक करवा सकते हैं इस प्रॉब्लम को। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि नया वीडियो लाऊं तब तक पहुँच पाए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।